हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? परिमित संख्या एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के धनमानों के लिए अनंत समाकल, समाकलन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स को गामा फलन कहते हैं। मतलब फोर ऑल प्राइम नंबर्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के सभी पॉजिटिव मान, इसके जो भी पॉजिटिव वैल्यू होंगे हमारे पास, जो इसकी वैल्यू होंगी उसको हम गामा फलन कहते हैं। इसे हम शो करते हैं, ये इसको हम गामा एन पढ़ते हैं। ये गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। फिर इसको ये भी कहते हैं आयलर गामा फंक्शन, आयलर्स गामा फंक्शन। इसी फंक्शन को आयलर गामा फंक्शन भी कहते हैं। अब फिर से हम इसी कुछ सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। फ्रेंड्स, गामा फंक्शन की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ये हो हमारे पास एन प्लस वन इक्वल टू होता है एन गामा एन। ये गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। या इसको हम ये लिख सकते हैं, जैसे ये होता है गामा एन प्लस वन इक्वल टू चलता रहता है एन एन माइनस वन डॉट डॉट, ये चलता रहता है। इसी तरह सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, ये होती है अपने पास गामा वन इक्वल टू वन। गामा वन इक्वल टू वन होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है फ्रेंड्स हमारे पास गामा एन, ये रूट नहीं, गामा एन प्लस वन बराबर फैक्टोरियल एन, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया था। इसको हम लिख सकते हैं वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट डॉट एन बिलोंग्स टू एन, ये चलता रहता है। ये फिर फैक्टोरियल एन यानी कि एन तक चलेगा, और जहाँ पे ये एन तक चलेगा और एन बिलोंग्स टू एन है। ये है फ्रेंड्स हमारे पास। अब हम इनको तीनों प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। फर्स्ट, पहले इसको शो करते हैं हम गामा एन प्लस वन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। फ्रेंड्स, गामा एन प्लस वन, इसके अकॉर्डिंग हमने एन प्लस वन, तो यहाँ पे एन हो गया या ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन किया हमने, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट डॉट सेकंड अप्लाई कर दिया इसमें हमने, फर्स्ट डॉट सेकंड अप्लाई कर दिया, तो हमने पहले एक्स पावर एन को छोड़ दिया, ई की पावर माइनस एक्स का हमने इंटीग्रेशन किया, तो ये आ गया ई की पावर माइनस एक्स माइनस का एन जीरो टू इन्फिनिटी माइनस जीरो टू इन्फिनिटी। डिफ्रेंशिएट किया हम इसको, डिफ्रेंशिएट किया सेकंड को, तो ये हुआ है एन एक्स पावर एन माइनस वन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ इसका तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, ये हो गया फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारे पास एक्स की पावर एन माइनस का ई की पावर माइनस एक्स, फिर ये जीरो टू इन्फिनिटी माइनस जीरो टू इन्फिनिटी एन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स टेंड टू इन्फिनिटी लेना है हमें, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास निकालते हैं तो एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे ये हमारे पास जीरो की तरफ जाएगा, ये एक्स पावर एन है, चूंकि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ये होता है फ्रेंड्स। तो ये तो हमारे पास जीरो हो गया जीरो, और ये हमारे पास माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस हो गया, माइनस एंड माइनस दोनों प्लस हो गया, तो ये हो गया एन बाहर आ गया, इससे ये हो गया जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन
ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। फिर जो क्या है यहाँ पे एक्स पावर, ये आया हमारे पास एक्स पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये क्या है हमारे पास गामा एन। तो ये हो गया एन इक्वल टू एन गामा एन, जो कि हमें प्रूव करना था, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन और गामा एन। अब फ्रेंड्स हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है गामा वन इक्वल टू वन प्रूव करना है हमें। तो गामा वन के, गामा वन को हम क्या लिख सकते हैं, गामा वन को इसके अकॉर्डिंग एन बराबर वन है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स बचेगा ओनली। तो गामा वन बराबर होगा जीरो जीरो टू इन्फिनिटी, ये जीरो हो गया ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन बार ई की पावर माइनस एक्स लिमिट है जीरो टू इन्फिनिटी। अब फ्रेंड्स अगर लिमिट जीरो इन्फिनिटी हम अप्लाई करते हैं तो ये टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो उसको तो हम लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस, और ये जीरो पे अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस वन, तो ये हो गया वन। फ्रेंड्स ये हमारे पास सेकेंड जो प्रॉपर्टी थी वो प्रूव हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास गामा एन प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन, ये प्रूव करना है थर्ड, गामा एन प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स गामा एन प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, अपनी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उससे एन गामा एन, तो उसको लिख सकते हैं एन गामा एन। फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस गामा एन को क्या लिख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी से गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, इससे लिख सकते हैं इसको एन, क्यों यहाँ पे एन माइनस वन हो जाएगा, फिर एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, इसी को हम लिख सकते हैं एन, इसको एन माइनस वन को लिख सकते हैं एन माइनस टू गामा एन माइनस टू, तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू गामा एन माइनस टू। फिर इसी तरह चलते हुए एन बराबर एन माइनस वन जाएगा, तो एन बराबर एन माइनस वन पर वन हो जाएगा, और वन की वैल्यू होती है वन, तो ये हो जाएगा अपने पास गामा वन की वैल्यू वन होती है, तो ये हो जाएगा एन एन माइनस वन चलते हुए एन माइनस टू डॉट डॉट चलते हुए ये वन पे हो जाएगा। पर फिर गामा वन इक्वल टू वन होता है तो ये हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 टू वन, ये हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये क्या होता है हमारे पास एन एन माइनस वन एन वन माइनस टू, ये जो होता है अपने पास फैक्टोरियल एन होता है, जो कि हमें प्रूव करना था गामा एन प्लस वन बराबर फैक्टोरियल एन। फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गामा फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन वो पढ़ते हैं। तो गामा फंक्शन का हम ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, गामा फंक्शन क्या होता है, गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। अब फ्रेंड्स इसको हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, अब इफ एक्स इक्वल टू लॉग वन वाई बाई, एक्स इक्वल टू लॉग वन वाई बाई ले लें तो हम ये हो जाएगा हमारे पास दो तरफ हम एंटी लॉग ले लें तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इक्वल टू वन वाई वाई या वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ से अगर यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, ये हो गया फ्रेंड्स। या इसे हम डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डी एक्स बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से डी एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस ई की पावर एक्स ऑफ डी वाई, ये लिख सकते हैं हम। अब फ्रेंड्स गामा एन को क्या लिख सकते हैं, इससे हम चेंज कर दिया हमने, लॉग वन बाई एक्स बराबर क्या लिया, लॉग वन बाई वाई, तो ये हो जाएगा लॉग वन बाई वाई की पावर एन माइनस वन, और ई की पावर माइनस एक्स बराबर क्या है वाई, एंड डी एक्स बराबर क्या है माइनस ई की पावर एक्स ऑफ डी वाई। बट ई की पावर एक्स क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने पास यहाँ से ई की पावर, यहाँ से हम यहाँ पर यहाँ से लेना चाहें तो e की पावर x बराबर वन अपॉन वाई, यहाँ से e की पावर x बराबर वन अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा डी एक्स इजक्वल टू वन अपॉन वाई माइनस का एंड डी वाई, तो हो जाएगा वन अपॉन वाई ऑफ डी वाई,
माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, ये हो गया माइनस लॉग वन अपॉन वाई का पावर एन माइनस वन, एंड ये वन से वाई से वाई चला जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई। ये हो गया फ्रेंड्स। और जो हमारे पास जो लिमिट थी, जो लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी थी, यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज करा है। यहाँ हमने लिया है एक्स बराबर लॉग वन वाई वाई, ये ले हम फ्रेंड्स, या हम कह सकते हैं वाई इक्वल टू ई पावर एक्स। यहाँ से वाई इसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज करें तो ये हो जाएगा अपने पास जीरो पे, तो ये वन हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे ये जीरो हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी अपने पास जीरो वन टू इन्फिनिटी, वन टू जीरो लिमिट हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लिमिट को चेंज कर दें, लिमिट को जीरो टू वन कर दें, तो माइनस का साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वन अपॉन वाई की पावर एन माइनस वन ऑफ डी वाई। ये हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम सेकंड तरीके से चेंज करते हैं। यदि हम लें एफ एक्स पावर एन इक्वल टू वाई, तो ये क्या अप्लाई करता है हमारे पास, एन एक्स पावर एन माइनस वन ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी वाई। पर गामा एन बराबर क्या है अपने पास, गामा एन है अपने पास ये रहा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन माइनस वन ई पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, तो ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो यहाँ पे एक्स पावर एन इक्वल टू हमने वाई लिया है, फ्रेंड्स एक्स पावर एन माइनस वन तो हमें चाहिए एक्स पावर एन, ये इसको लिख सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन एक्स पावर माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। ये हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से हम एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ से अगर लिखना चाहें तो एक्स बराबर वाई की पावर वन अपॉन एन, ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, तो जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसकी लिमिट देखते हैं तो ये वाई बराबर एक्स पावर एन, जीरो पे जीरो हो रहा है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, तो लिमिट पे कोई चेंज नहीं होगा अपने पे। ये होगा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन इक्वल टू वाई हो जाएगा, और एक्स बराबर क्या है अपने पास, वाई की पावर वन बाई एन, तो एक्स की पावर माइनस वन बराबर हो जाएगा वाई की पावर माइनस वन बाई एन, और ई की पावर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ई की पावर माइनस वाई की पावर वन बाई एन, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये हमारे पास क्या है, वाई और वाई की पावर माइनस वन बाई एन। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे अपने पास डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, हम डी एक्स बराबर लिख सकते हैं, डी एक्स बराबर आ जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस वन, सॉरी डी एक्स बराबर आ जाएगा डी वाई अपॉन एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो यह आ जाएगा डी वाई, बट एक्स पावर एन माइनस वन, एक्स पावर एन माइनस वन बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स पावर एन माइनस वन एन लिख लेते हैं हम। यहाँ फ्रेंड्स जीरो टू इन्फिनिटी वाई वाई की पावर माइनस वन बाई एन ई की पावर माइनस वाई की पावर वन बाई एन, सॉरी वाई की पावर एक बार माइनस वाई की पावर वन बाई एन, और एक्स ये डी वाई, और हमें अब वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे एन लिख लिया है, एक्स और एन माइनस वन, एक्स और एन माइनस वन की वैल्यू इसी तरह पुट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे एक्स और एन माइनस वन इसी जगह लिख सकते हैं, उससे एक्स और एन माइनस वन कट जाएगा। एक्स और एन माइनस वन की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, वाई वाई की पावर माइनस वन बाई एन, वाई एंड वाई की पावर माइनस वन बाई एन। फिर इससे वाई वाई की पावर माइनस वन बाई एन से वाई वाई वन माइनस वन चला गया, तो ये जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई की पावर वन बाई एन ऑफ डी वाई। फ्रेंड्स ये चेंज हो गया, इक्वल टू क्या है अपने पास, फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन और साथ में यहाँ पे ये एन भी है अपने पास, तो ये वन बाई एन यहाँ पे आएगा। अगर वन बाई एन का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर
वाई की पावर वन बाई एन ऑफ डी वाई इक्वल टू हो गया एन फैक्टोरियल एन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी एन गामा फे एन, तो इस गामा एन को क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन गामा एन प्लस वन, ये लिख सकते हैं इसको हम पहले जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें उनके अकॉर्डिंग गामा एन प्लस वन। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सिर्फ चेंज किया है एक्स पावर एन इक्वल टू वाई रखा है, तो ये हमारे पास जो गामा एन था वो गामा एन प्लस वन में चेंज हो गया। अब इसके फ्रेंड्स एक जो विशेष जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास एफ एन इक्वल टू वन बाई टू, तब अगर एन इक्वल टू वन बाई टू है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर, यहाँ पे एन इक्वल टू वन बाई टू है तो माइनस वाई, और एन इक्वल टू वन बाई टू तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एन बराबर क्या था अपने पास वन बाई टू, तो ये तो हो गया अपने पास एन गामा एन, तो ये हो जाएगा वन बाई टू गामा वन बाई टू, ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसके बाद। इसी तरह हम और चेंज करते हैं, थर्ड कंडीशन में चेंज करते हैं, हम एक्स बराबर ए जेड से चेंज कर रहे हैं, अगर हम एक्स बराबर ए जेड से चेंज करें तो क्या होता है, गामा एन बराबर एक्स बराबर ए जेड से चेंज किया है हमारे पास, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा गामा एन बराबर सिंपली क्या होता है एक्स पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स जीरो टू इन्फिनिटी। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं लिमिट चेंज नहीं होती, जीरो टू इन्फिनिटी चलेगी, क्योंकि अगर जेड बराबर क्या होगा एक्स अपॉन ए, जेड एक्स बराबर जीरो तो जेड भी जीरो, एक्स बराबर इन्फिनिटी तो जेड भी इन्फिनिटी, ये हो गया गामा एन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन, ये हो गया ए जेड की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए जेड, और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर ए डी जेड, जो कि फ्रेंड्स अपने पास हो जाएगा ए की पावर एन माइनस वन एंड ए, तो हो जाएगा ए की पावर एन जीरो टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए जेड ऑफ डी जेड। फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास, लेकिन अगर हम इसको जेड को एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा ए की पावर एन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए जेड ऑफ डी जेड, ये हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स क्या है हमारे पास, ए की पावर एन और गामा एन है, ये हमारे पास ये हमने चेंज किया था एक्स बराबर ए की पावर जेड से रिप्लेस किया था, तो ये आ गया ए की पावर एन गामा एन आ गया हमारे पास। सो फ्रेंड्स हमारे पास एक फॉर्मूला आता है गामा एन अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए एक्स ऑफ डी एक्स, ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम एक तरह से और चेंज करते हैं, फोर अगर हम वाई एक्स बराबर वाई स्क्वायर से चेंज करें, तो फ्रेंड्स एक्स बराबर वाई या वाई बराबर रूट एक्स से चेंज करें, तो वाई बराबर एक्स बराबर जीरो पर जीरो और एक्स बराबर इन्फिनिटी पर वाई इन्फिनिटी हो रहा है, तो लिमिट चेंज नहीं होगी, और गामा एन बराबर क्या होता है अपने पास जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, अब इससे रिप्लेस करना है, तो गामा एन बराबर जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन माइनस वन, एक्स बराबर क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई की पावर टू एन माइनस वन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से हम देख सकते हैं अगर डी एक्स निकालना चाहें तो यह आ जाएगा डी एक्स, यहाँ से निकालना चाहें तो यह आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू टू वाई ऑफ डी वाई, तो यह हो जाएगा टू वाई ऑफ डी वाई, ये फ्रेंड्स वाई ये हो जाएगा अपने पास y की पावर माइनस टू एन माइनस टू, ये हो जाएगा, तो y से मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये y की पावर टू एन माइनस वन हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी y की पावर टू एन माइनस वन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगर y को x से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी x पावर टू एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स,
ये आ गया फ्रेंड्स। अब हमने एक्स एक्स बराबर वाई, जो एक्स यानी हमने एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया, तो ये हमारे पास कंडीशन आ चुकी है। थ्योरम, फिर से अब थ्योरम पढ़ते हैं। सो दैट गामा एन इज नॉट डिफाइंड फॉर एन इक्वल टू जीरो एंड नेगेटिव वैल्यू। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि गामा एन है वो एन बराबर जीरो एवं नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे पास डिफाइंड नहीं है, ये हमें शो करना है सॉल्यूशन। हम फ्रेंड्स हम पहले जानते हैं गामा एन प्लस वन बराबर होता है एन गामा एन, ये होता है। तो इससे हमारे पास इस फॉर्मूले से गामा एन बराबर आ गया अपने पास गामा एन प्लस वन अपॉन एन, ये आ गया। अगर फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम एन बराबर जीरो रखें, इफ एन इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास गामा एन इक्वल टू क्या जाएगा, गामा एन प्लस वन अपॉन जीरो, जो कि इन्फाइनाइट जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि गामा एन अगर तो गामा जीरो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये ऊपर गामा वन रहेगा, ये वन अपॉन इन्फाइनाइट जो कि हमारे पास डिफाइन नहीं है, वन अपॉन जीरो जो कि डिफाइन नहीं है। इसी तरह अगर हम ये इन्फाइनाइट हो गया, एन बराबर माइनस वन लें तो हमारे पास ये हो जाएगा गामा माइनस वन इक्वल टू, ये हो जाएगा वन प्लस सॉरी माइनस वन प्लस वन, ये हो जाएगा जीरो अपॉन, ये हो जाएगा माइनस वन जो कि इनफाइनाइट है। इसी तरह एन बराबर हम माइनस टू लें तो ये गामा माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस टू प्लस वन, तो गामा माइनस वन अपॉन यहाँ पे एन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास एन बराबर माइनस टू ले रहे हैं तो ये हो जाएगा अपने पास टू, ये भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो ऊपर आएगा वो हमारे पास इन्फाइनाइट चलता रहेगा। इसी तरह किसी भी माइनस के लिए गामा बराबर माइनस के बराबर, तो ये हो तो हो जाएगा माइनस के प्लस वन माइनस के अपॉन सॉरी माइनस के तो ये रहेगा माइनस के प्लस वन अपॉन माइनस के, तो फ्रेंड्स ये भी हमारे पास इन्फाइनाइट जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो गामा फंक्शन है वो एन के लिए एन बराबर जीरो पर भी डिफाइन नहीं है एवं नेगेटिव नंबर्स के लिए भी डिफाइन नहीं है। अब फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है प्रोडक्ट ऑफ टू डिफाइन इंटीजर्स, दोनों जो इंटीग्रल कर रहे हैं हमारे पास वो डिफाइन है, जो दोनों इंटीग्रल डिफाइन है। तो हमारे पास इसका ये दिया हुआ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ एफ एक्स केवल एक्स का फलन है, एंड सी टू बी जी वाई ऑफ डी वाई, जो इसका इंटीग्रल होता है वो ए टू बी सी टू बी एफ एक्स जी वाई डॉट डी एक्स डी वाई, ये होता है। हमें ये प्रूव करना है फ्रेंड्स, तो इसको प्रूव करने के लिए लेट इंटीग्रल जी वाई ऑफ डी वाई, चूंकि बाई के करस्पॉन्डिंग है तो ये बाई का ही फलन होगा। सो ए टू बी सी टू डी एफ एक्स जी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई इक्वल टू, फिर ये हमारा इंटीग्रल करना है हमें, तो इसका इंटीग्रल करना है तो हम कर सकते हैं इसका, पहले हम बाई के रेस्पेक्टली कर लेते हैं, तो हो जाएगा ए टू बी बाई के रेस्पेक्टली कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अपने पास एफ एक्स तो रहेगा जी वाई का जो इंटीग्रल होगा वो जी वाई और सी टू डी डी एक्स, फिर हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स, ये हो जाएगा जी की जो वैल्यू डी पर है माइनस जी एंड सी पर ऑफ डी एक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जी डी माइनस जी सी ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है,
क्योंकि डी डी और सी दोनों हमारे पास कांस्टेंट होंगे, तो उन पे जो वैल्यू दी हुई होगी कांस्टेंट दी हुई होगी। तो ये हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये बाहर हो जाएगा अपने पास जी डी माइनस जी सी। तो फ्रेंड्स ये तो अपने पास ए टू बी एफ एक्स ऑफ डी एक्स है, और ये क्या है हमारे पास इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल था ये इसी का इंटीग्रल था हमारे पास, ये जो इंटीग्रल है यही है हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्रॉस सी टू डी जी वाई ऑफ डी वाई, जो कि हमें प्रूव करना था। फ्रेंड्स अब हम द वैल्यू ऑफ गामा 1/2, अब जो गामा 1/2 है उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो गामा 1/2 हमें शो क्या करना है होता है हमें, इसके लिए हम गामा 1/2 जो होता है वो वैल्यू होती है अपने पास रूट पाई, ये हमें निकालना है फ्रेंड्स। बट हम जैसे गामा फंक्शन की डेफिनेशन से जानते हैं, गामा फंक्शन की डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ा था, ये पढ़ा था फ्रेंड्स हमने गामा, ये प्रूव किया था फ्रेंड्स हमने एन बराबर 1/2 पे जो हमने पहले प्रूव किया था वो था 0 to ∞ e की पावर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई इक्वल टू 1/2 गामा 1/2, ये हमने प्रूव किया था पहले। तो हमें निकालनी है गामा 1/2 की वैल्यू, हमें ज्ञात करनी है। तो गामा 1/2 की वैल्यू हमें जब निकालनी है, तो गामा 1/2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 का मल्टीप्लाई करो 0 to ∞ e की पावर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई, ये हो जाएगा फ्रेंड। अब हमें ये इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक और गामा डिफाइन करते हैं, गामा 1/2 इक्वल टू इसी तरह, तो ये हो जाएगा 2 0 to ∞ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे एक बार माइनस वाई स्क्वायर और एक बार माइनस एक्स स्क्वायर जो कि अलग अलग वेरिएबल है उनके लिए हमारे पास ये हमने डिफाइन कर लिया, इसकी वैल्यू भी गामा 1/2 होगी, सिंपली हमने एक्स की जगह वाई रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया। तो गामा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो 4 0 to ∞ 0 to ∞, ये जो हमने प्रूव किया इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें 0 to ∞ एफ एक्स यानी कि एक बार माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स एक बार माइनस इसका एंड सी टू डी जी वाई डी वाई, तो 0 to ∞ एक बार माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ये आ रहा है ए टू बी से सी टू डी एफ एक्स जी वाई डी एक्स डी वाई, तो उसी से कर रहे हैं 0 to 4 0 to ∞ 0 to ∞ ई की पावर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, दूसरी बार आएगा एक पावर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होगा एक पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास डी एक्स डी वाई। अब फ्रेंड्स जब ये हो चुका है तो हम इसमें हम ध्रुवीय रूप का चेंज कर सकते हैं, ध्रुवीय रूप से चेंज करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। साथ ही जो हमारे पास डी एक्स डी वाई होता है वो होता है हमारे पास आर डी थीटा डी आर, ये होता है फ्रेंड्स। तो हम ये चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4 0 to और लिमिट लिमिट होंगी 0 to π/2 एंड ये तो हमारे पास थीटा की लिमिट होगी 0 to π/2 और आर की लिमिट होगी तो 0 to ∞। यहाँ पे फ्रेंड्स एक्स बराबर होता है वो होता है आर कोस थीटा और वाई बराबर होता है आर साइन थीटा, तो इसी से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आता है अपना, ये हो गया आर आर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर और डी एक्स डी वाई बराबर होता है आर डी थीटा डी आर, तो ये आर डी थीटा डी आर, ये हो गया 4 0 to π/2 0 to ∞ आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। फ्रेंड्स ये हो चुका है हमारे पास, तो पहले हम आर के करस्पॉन्डिंग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये आर लिख चुके हैं पहले, तो आर को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आर ही रहेगा। अब यहाँ आर के करस्पॉन्डिंग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 4
जीरो टू पाई बाई टू, आर को छोड़ दिया हम, आर को छोड़ दिया तो ये हो जाएगा हमने आर को छोड़ के आर और इंटीग्रेशन, सॉरी हम फिर से आ जाएगा हमारे पास माइनस ई की पावर आर स्क्वायर अपॉन टू जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ डी थीटा। अब फिर से देखते हैं इंटीग्रेशन आता कैसे है वो समझते हैं। जीरो टू इन्फिनिटी हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन जो किया था वो हमारे पास ये था, इसका इंटीग्रेशन आर एक बार माइनस आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन किया था आर के रेस्पेक्टली, तो हमारे पास ये आ गया था माइनस आर स्क्वायर एक बार माइनस आर स्क्वायर टू जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट थी, यानी कि हमारे पास आर एक बार माइनस आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू हमें लाना है माइनस एक बार आर स्क्वायर अपॉन टू लिमिट अपनी जीरो टू इन्फिनिटी, सॉरी एक बार माइनस आर स्क्वायर, एक बार माइनस आर स्क्वायर है फ्रेंड्स ये लाना है हमें। तो ये लाना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आर को आर का हमें इंटीग्रेशन कर दिया हमने एक बार माइनस आर स्क्वायर को छोड़ के इंटीग्रेशन इसका क्या, तो ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, डिफ्रेंशिएशन किया इसका हमने तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस आर स्क्वायर ऑफ माइनस टू आर, और इसका हमें फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आर स्क्वायर अपॉन टू, ये हो गया फ्रेंड्स ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास ई की पावर माइनस आर स्क्वायर और टू से टू चला जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा, इस माइनस से प्लस हो जाएगा और फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब ऑफ डी आर। फ्रेंड्स जब हम इस तरह इंटीग्रेशन करते हैं तो हम देखते हैं आर की पावर क्यू आ जाता है तो ये आगे बढ़ती जाएगी, इसलिए हमें इंटीग्रेशन करने का तरीका ये नहीं होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन करना होगा जीरो टू इन्फिनिटी आर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर ऑफ डी आर। तो हमें पहले यहाँ पे हमने क्या किया था एक बार माइनस आर स्क्वायर को छोड़ा था, तो इस बार हमने एक बार माइनस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो आर तो ये रहेगा जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आर स्क्वायर ऑफ डी आर माइनस डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका, तो ये तो वन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक बार माइनस आर स्क्वायर ऑफ डी आर डी थीटा। अब फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करना है एक बार माइनस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार माइनस आर स्क्वायर बराबर यहाँ तो माइनस आर स्क्वायर बराबर वी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर बराबर रूट वी, ये और ये हो जाएगा हमारे पास साथ ही डी आर बराबर हो जाएगा वन अपॉन रूट वी, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट वी साथ में टू का साइन वन अपॉन टू रूट वी ऑफ डी वी, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर वी वन अपॉन रूट टू रूट वी ऑफ डी वी माइनस जीरो टू इन्फिनिटी यही ई की पावर वी टू रूट वी डी वी। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे और बाद में हम जब आर की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा हमारे पास ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये होगा फोर जीरो टू पाई बाई टू, ये आ चुका है हमारे पास माइनस ई की पावर आर स्क्वायर अपॉन टू जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ डी थीटा, ये आ चुका है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगा तो एक बार माइनस आर स्क्वायर सॉरी तो ये इन्फिनिटी जाएगा तो ये जीरो की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा, तो ये फोर तो यहीं यहीं पर है जीरो टू पाई बाई टू, यहाँ तो इन्फिनिटी में तो जीरो जा रहा है लेकिन वन पर ये वन बाई टू जा रहा है माइनस का, माइनस का वन बाई टू ऑफ डी थीटा, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास
सॉरी माइनस नहीं प्लस का जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2 0 to π/2 एंड थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा यहाँ पे हो जाएगा 2 into π/2, तो 2 से 2 चला जाएगा फ्रेंड्स। ये हो जाएगा हमारे पास आ गया, जो हम लेके चले थे वो थे हमारे पास 1/√2 = 1/√2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर लेके चले थे, और वो आ चुका है हमारे पास पाई। ये हो चुका है 1/2 का होल स्क्वायर, गामा 1/2 का होल स्क्वायर बराबर आ चुका है हमारे पास पाई। तो ये हो गया हमारे पास फ्रेंड्स गामा 1/2 = √π। फ्रेंड्स गामा 1/2 = √π जो कि हमें वैल्यू ज्ञात निकालनी थी, सो हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है 0 to ∞ e^(-x^2)dx। ये जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है हमारे पास √π/2, ये निकालना था फ्रेंड्स हमें 0 to ∞ e^(-x^2)dx बराबर √π/2 होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।